नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेने जा रहे हैं और इस विषय की हम एक्सरसाइज भी करेंगे। इस विषय का नाम है टेंसेस। देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें विशेष रूप से आरपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा और ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और इन एक्सरसाइज से हम रूल्स भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस मिक्स्ड लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें सारे टेंसेस है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सारे टेंसेस आपको मिलेंगे। तो पहला सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वाक्य है ही ब्लैंक द बॉय बिफोर द फर्स्ट एड रीच्ड। देखिए स्टूडेंट्स, आप तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि ये जो आपके सामने सेंटेंस है इसको आप लिख लोगे, जो रूल बताऊंगा वो आंसर भी लिखते जाना और रूल को अलग से मेंशन कर देना। तो देखिए, जैसे ये पहला वाक्य है ना, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बिफोर दे रखा है, इस बिफोर में क्या है कि ये जो बिफोर है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। बिफोर जो अगर किसी वाक्य में आता है, इसके पहले वाला पार्ट और सेकंड पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट, दो वर्ब्स आती है इसमें। एक तरफ आती है सेकंड फॉर्म और एक तरफ आती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होगा कि देखिए, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म रीच्ड आ रखी है ये, ठीक है। तो ये रीच्ड वर्ब आ रखी है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब बिफोर से पहले यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हैड रेस्क्यूड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, हैड रेस्क्यूड, ही हैड रेस्क्यूड द बॉय बिफोर द फर्स्ट एड रीच्ड। फर्स्ट एड पहुंची उससे पहले वह बच्चे को बचा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। रूल आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि बिफोर जो है इसके एक तरफ सेकेंड फॉर्म और एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर क्या है कि ब्लैंक दे रखा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यू प्रेजेंट इन द लास्ट एनुअल फंक्शन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, आप थोड़ा मेंशन कर लेना। यू प्रेजेंट इन द लास्ट एनुअल फंक्शन, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है कि ये जो लास्ट दे रखा है, इस लास्ट वर्ड में ही इस टेंस का राज है। लास्ट जहाँ पर आता है इसका मतलब ये पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। लास्ट एनुअल फंक्शन, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, वॉज और वर में से चूंकि आपका सब्जेक्ट यू है तो आप वर का प्रयोग करेंगे। हो गया ये सेंटेंस, वर यू प्रेजेंट इन द लास्ट एनुअल फंक्शन, क्या तुम लास्ट एनुअल फंक्शन में उपस्थित थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस देखिए, इफ यू ब्लैंक देयर द पुलिस वुड हैव बीटन यू। ये देखो, इफ क्लॉज एक विशेष एक कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि इफ क्लॉज होता है और एक होता है रिजल्ट क्लॉज जो यहाँ पे कॉमा के बाद में है। रूल ये होता है कि इसमें रिजल्ट क्लॉज में अगर वुड हैव प्लस बीटन दे रखा है, वुड हैव प्लस बीटन दे रखा है, तो इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इफ यू हैड स्टेड देयर द पुलिस वुड हैव बीटन यू, अगर तुम वहां रुकते तो पुलिस तुम्हें पीटती। तो ये हुआ होता है एक तरीके से इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, ठीक है। तो जिसमें इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है इस वाले पार्ट में, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें शुड वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इस नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आपके क्या दे रखा है, इट इज़ हाई टाइम दैट यू ब्लैंक फॉर दिस एग्जाम। अब देखिए रूल यहाँ पर क्या है, इसमें इट इज़ हाई टाइम को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगर ये फ्रेज आती है किसी भी सेंटेंस में, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तो इसमें यहाँ पर जो वर्ब आनी है, ये जो वर्ब है ये हमेशा सेकेंड फॉर्म आएगी। It is high time that you prepared for this exam. Prepare second form आएगी, prepared हो जाएगा। तो it is high time, it is time आता है तो हमेशा उसके बाद में second form आती है।
अब आगे बढ़ते हैं. When the chief guest arrived, blank, everyone blank, clap. Clap मतलब ताली बजाना. जब chief guest पहुंचे, हर कोई ताली बजा रहा था. देखिए दो कंडीशन है when वाले सेंटेंस में. When में दो एक्शन होते हैं, या तो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, पैरेलल चले हैं, दोनों कंप्लीट हो गए तो दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आती है. और when में एक और कंडीशन होती है कि एक एक्शन तो कंप्लीट हो गया और दूसरा कंटिन्यूस चल रहा है. ठीक है, तो जो कंप्लीट हो गया उसमें तो सेकंड फॉर्म आएगी. जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे अराइव्ड आ रखा है, व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड, जब चीफ गेस्ट पहुँचे प्रत्येक ताली बजा रहा था, हर कोई ताली बजा रहा था, तो एवरीवन यहाँ पर सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है. तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरीवन वॉज क्लैपिंग, जब चीफ गेस्ट पहुंचे हर कोई ताली बजा रहा था. व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड एवरीवन वाज क्लैपिंग. और एवरीवन यहां पर याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वाज का प्रयोग होगा. अब आगे बढ़ते हैं. आई ब्लैंक इन द ट्रेन एट दैट टाइम. ये एट दैट टाइम को अंडरलाइन कर लो. आप मेरे टेंसेस की वीडियो में अगर जाओगे तो आपको ये रूल मिल जाएगा कि अगर एट दैट टाइम आता है तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस. At that time, at that moment, that day, in those days, ये होता है तो past continuous, जिसका मतलब was verb plus ing. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I was traveling in the train at that time. मैं उस समय train में यात्रा कर रहा था. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ये फिर if clause वाला sentence है. ये बहुत ही common sentence है जो exams में पूछा जाता है. यहाँ पर देखिए, if he breaks the promise, he blank never succeed. If clause में अगर first form, यहाँ पर जैसे दे रखा है first form एस एंड एस दे रखा होता है, तो result clause में shall will plus first form का प्रयोग होता है. If he breaks the promise, तो if clause में first form एस एंड एस हो गया, result clause में shall will plus first form. He will never succeed. He will never succeed. Never के बाद में succeed आएगा. He will never succeed. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, ही ब्लैंक हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. इसमें इस फ्रेज को आप अंडरलाइन कर दो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसको अंडरलाइन कर दो. इसमें देखिए क्या है कि अगर बाय प्लस इस तरीके से कोई समय दे रखा होता है, बाय प्लस कोई समय दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. By plus time, तो future perfect. और आप मेरे tenses की videos check करना, future perfect tense में क्या use होता है, shall will plus have plus third form का प्रयोग होता है. तो यहाँ पर shall will plus have plus third form, तो accomplished के third form accomplished हो जाएगा. He will have accomplished, note कर लीजिए यहाँ पर blank में, he will have accomplished his work by the end of this month. ठीक है, समझ आया यहाँ तक. By plus time याद रखना, by plus time तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, shall will plus have plus third form. अब आगे बढ़ते हैं. blank you never blank anyone abuse. इस यहाँ पर never को आप underline कर लीजिए, never आता है तो ये present perfect tense हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर interrogative हो गया, present indefinite का interrogative do does plus first form से बनेगा. You plural subject है तो do you never abuse anyone, क्या तुम किसी को भी गाली नहीं निकालते हो. तो present indefinite का interrogative sentence ये हो गया, जिसकी पहचान ये never है और do does plus first form आती है. याद रखना do does के बाद में हमेशा first form आती है. तो you के साथ में do का use हो गया. do you never abuse anyone, क्या तुम किसी को भी गाली नहीं निकालते हो. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. If you blank proper guidance, you would get through this exam. ये देखिए if clause का एक और example आया है, लेकिन ये थोड़ा अलग है. इसमें क्या है कि rule ये होता है, सुन लीजिए, if clause में second form, result clause में should would plus first form. तो result clause में देखो should would plus get, ठीक है, get through हो गई phrasal verb. तो should would plus first form है, तो इसका मतलब if clause में second form आएगी. ये रूल क्या हुआ, इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म, रिजल्ट क्लॉज में शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. तो इफ यू हैड प्रॉपर गाइडेंस,
इफ यू हैड प्रॉपर गाइडेंस यू वुड गेट थ्रू दिस एग्जाम. अगर तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे. ये होती है सेकेंड इम्प्रॉबेबल कंडीशन, जिसको हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं, जिसमें इफ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म आती है, रिजल्ट क्लॉज में शुड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है. नेक्स्ट, ही ब्लैंक इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग. इसमें सिंस मॉर्निंग को देखो अंडरलाइन कर लो आप, ये जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिए. सिंस मॉर्निंग, सिंस फोर प्लस टाइम होता है तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है. सिंस फोर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. आप ये कह सकते हो कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है. जब आपको प्रॉपर कोई पास्ट का या फ्यूचर का कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा है तो सिंस फोर प्लस टाइम के लिए आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही यूज़ किया कीजिए. यहाँ पर आपको वर्ब जो बनी है वो सिंग की वर्ब भरनी है. तो ही यहाँ पर हैज़ हैव प्लस बीन प्लस एन जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस एन जी. ही हैज़ बीन सिंगिंग इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अपने कमरे में गाने गा रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया. अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट सेंटेंस. माई मैनेजर ब्लैंक योर ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो. जो मेरा मैनेजर है वो तुम्हारे ऑफिस में कल सुबह इसी समय विजिट कर रहे होंगे. तो माई मैनेजर विल बी विजिटिंग एट दिस टाइम टुमारो, पहचान होती है फ्यूचर कंटिन्यूस की. इसको अंडरलाइन कर लिया है, एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस याद रखना है, जिसमें शैल विल प्लस बी प्लस आई एम जी का प्रयोग होता है. तो माई मैनेजर विल बी विजिटिंग योर ऑफिस एट दिस टाइम टुमारो. अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर ये ऑफन दे रखा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑफन आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इसमें क्या हो गया, इंटरोगेटिव है. तो यहाँ पर ब्लैंक ही ऑफन ब्लैंक हिज टीचर इन द क्लास. यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है कि आप इसको करेक्ट कर लेते हैं. ब्लैंक ही ऑफन ब्लैंक हिज टीचर इन द क्लास. ऑफन हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा, डज ही ऑफन इमिटेट हिज टीचर इन द क्लास. क्या वह प्राय क्लास में अपने अध्यापक की नकल करता है. तो ऑफन अंडरलाइन कर लिया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव है तो यहाँ पर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा. चूँकि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डज और फर्स्ट फॉर्म इमिटेट आ जाएगी. तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं लगभग काफ़ी इसमें टेंसेस आ गए हैं, रूल्स के हिसाब से मैंने समझाया. प्रॉपर रूल्स के लिए आप मेरे वीडियोस कंसल्ट कीजिए, और ये एक्सरसाइज हम ऐसे करते रहेंगे, आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ. ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, इसको आप यूज़ कीजिए. कभी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर पूछो, या इन जो सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं इनमें आपको कोई दिक्कत हो तो भी आप मुझे इसमें आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना क्वेरीज भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले एग्ज़ाम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. अगर आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखते रहे, शेयर करते रहे. इसी उम्मीद के साथ में आई विश यू अ वेरी गुड लक.